गैस लीक हो रही है, तुम ही बताओ क्यों है, इसको क्या करेंगे, देखिए इसको जरूरत पड़ने पर आपने ये तय करा है, ये सील है, इसको हटाने के बाद आपकी ये पिन पिन निकलेगी बाहर, ये सेफ्टी लॉक है, इसको आपने बाहर किया सामने ऐसे करके जेट, और जब इसको दबाएंगे तो लगभग 10 फीट दूरी पर कैसी भी आग हो, तेल की आग हो, पेट्रोल की आग हो, गैस की आग हो, इलेक्ट्रिक की आग हो, किसी भी चीज़ की आग हो, ये बुझा दीजिए आप। लेकिन हाँ, ये आपको लगभग आधा से एक मिनट के अंदर, मतलब ये आप समझिए इसको फर्स्ट एड करिए, जागरूक रहेंगे तुरंत के लिए, जब आप बहुत मर गए उसके लिए तो फैलुएड है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो किसी की भी मदद, कोई अपने लिए नहीं पड़ो, उसमें भी किसी जरूरत पड़ी तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, बसरते ही आपके पास उपस्थित हो, ठीक समझिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो आएंगे, तो ये सब हमारे जो हैं ये ऐसे जो है 5.5 फीट पे ऐसे हैंगिंग रहता है दीवार में, जमीन में इसलिए नहीं रखा जाता है कि इसे लोहे की है, इसकी 15 साल लाइफ है, जंग लग गया तो पता चला आपको 5 साल में ख़राब हो गया, आपने इसको उतारा ऐसे हैंगिंग रहता है, आपने इसको उतारा लेके दौड़े ऐसे जहाँ भी जरूरत पड़ी लेके दौड़ पहुँच गए, फिर आपने इसका ये लॉक जाएगा, ये जैसे प्लास्टिक में तुरंत निकल जाएगा, ठीक है, जब ये निकलेगा तो ये पिन है, ये पिन और सेफ्टी लॉक इसलिए है कि जैसे आपका ऐसे टंगा है इसका क्या क्या चीज़ है, बहुत प्रेशर होता है, किसी ने दबा दिया पता लगा आपका बेटा में, तो इसीलिए जब जरूरत पड़े तभी इसको आप लोग कीजिए, पिन निकाले सेफ्टी लॉक का आपने दबाया, पहले इसको निकालना सेफ्टी लॉक कटेगा उसके बाद, बस यही चीज़ देखना ना कि ये खुलेगा कैसे, तो ऑलरेडी आप खुद भी समझ पाएंगे, थोड़ा जानकारी रहना चाहिए तब आप सोचेंगे किसी से इस ऑपरेशन के बाद क्या जब आप खो देंगे होता है, तो जब एक बार बाल के बीच से पाउडर पास हो गया तो पाउडर कितना भी हल्का हो तो इतना रेशा बना ही देगा कि उसका प्रेशर लीक हो जाएगा, इसलिए जब यूज होगा वो, हाँ इसकी लाइफ ये है कि जब तक ये गेज ग्रीन है जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक, नगर क्षेत्र के एक अन्य सुरक्षा के उपाय इस अवसर पर आपसे अनुरोध है कि कृपया इस हैंडबिल में दिए गए सुरक्षा उपायों को ध्यान से पढ़ें और इन्हें अपनाकर जन जीवन जल संपत्ति की रक्षा में सहायक बने, जैसे बिस्तर पर लेकर बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, कितने बड़े लोगों के लिए आप लोग ठीक है, बिना बिजाए माचिस है इसके बच्चों को न दीजिए, ऐसा भोजन बनाते समय चूल्हे के ईंधन से पूरे रूप से बुझा दिया जाए, अपने ढीले ढाले आंचल से महिलाओं के लिए है कि जो सारे भी पहन के खाना पीना बनाते हैं, ये सारे जो गैस वाली आती है 30 पॉइंट पर है, उसमें ये सब लोगों के अंदर बहुत घबराहट हो जाती है, नहीं सिलेंडर ही पहले लगेगा, अब आपको सर ने आपको बताया कि गैस की आग, कभी कभी होता है किसी के यहाँ जैसे गैस के घर में आ जाती थोड़ा सा मिसहैंडलिंग हो जाती है जो है रेगुलेटर बदलते समय या आप करते समय कोई दिक्कत हो गई, तो कभी भी आप जान लीजिए कि गैस की आग गैस सिलेंडर में नहीं पहुंच सकती है, गैस की आग तभी जलेगी गैस जब 2% ऑक्सीजन मिलेगा, कभी भी आप अपने घर में जो बड़े हों अगर सासी हों तो आप ऐसे नॉब खोल के हटा के या चूल्हे से हटा के आप आग लगा दो और तो 2 इंच का करीब गैप रहेगा, उसके बाद फ्लेम बनेगी, आग जलना शुरू होगी 2 इंच के बाद, बर्नर कैसे जलता है उसका महीन सजग बोल है तो ऑक्सीजन तुरंत मिल जाती है, बट इसका जो प्रेशर है 2 इंच के बाद जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक आपकी गैस जलेगी, तो उसके बाद ये होता है और गैस सिलेंडर को हमेशा खड़ा रखिए, लोग घबरा जाते हैं फट जाए गैस सिलेंडर का, ये सही टेस्ट इतना अच्छा होता है कि कभी फटेगा नहीं, हाँ लोग गिरा दिए बहुत वो हो गया उस पर डैमेज कर रहे हैं, ईंट पत्थर मार रहे हैं, बालू भर दिए, तो सारी फ्लेम अंदर ही है, तब भले ही पेट की वजह से उसको हो जाए कहीं तो कभी लगता नहीं, और बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप कभी उसको ये करिए गीले भोरे से या कहीं पानी का टैंक को इसी तरह का उसमें डाल दीजिए, या कोई ऐसी बाल्टी हो जो सिलेंडर को पूरा कवर कर ले उसके ऊपर से डाल दीजिए, अगर ऑक्सीजन आना हो तो कभी बहुत घबराने की जरूरत है, समझ गया जी।